क्या मैंने और आपने कभी इस बाबत सोचा है कि मैं और आप इस संसार में क्यों आए हैं? What is the purpose of our life? हमारी जिंदगी का क्या मकसद है? मैं और आप इस संसार में क्यों आए हैं? मन जो है हमारा जो मन है, बहुत से लोग इसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, बहुत से लोग माइंड कहते हैं, कुछ लोग जिनको ज्यादा बायोलॉजी और साइंस की समझ नहीं होती वो इसको दिल भी कहते हैं कि मेरे दिल में ये बात आ रही है। हालांकि बात जो आती है वो मस्तिष्क में ही आती है, माइंड में और सबकॉन्शियस माइंड में आती है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मन जो है हमारा ये एक कंप्यूटर के समान है, ये एक कंप्यूटर के समान है और मैं और आप इस कंप्यूटर के चलाने वाले हैं। और मैं आपको सच बताऊं, हम कभी भी किसी भी समय इस कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को चेंज कर सकते हैं। क्या बढ़िया बात, हमारा मस्तिष्क, हमारा मन, हमारा माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक कंप्यूटर के समान है और मैं और आप किसी समय भी इसका सॉफ्टवेयर बदल सकते हैं। यानी हम अगर इसमें अच्छा सॉफ्टवेयर डाल देते हैं तो ये बेहतर कार्य करने लगता है, और अगर हम इसमें कोई गलत सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो ये उस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। जैसे कि मैं अक्सर कहता हूं, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड और एक होता है सुपर कॉन्शियस माइंड, तीन पार्ट्स। हालांकि आमतौर से लोग दो ही पार्ट्स का जिक्र करते हैं, लेकिन मैं तीसरे पार्ट को भी आज बताता हूं। हमारा जो चेतन मन, अवचेतन मन और अति चेतन मन, ये तीन स्तर हैं मस्तिष्क के। चेतन मन वो है जो मैं और आप इस समय बैठे हैं जागृत अवस्था में, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, ये हमारे चेतन मन के स्तर पर चीजें चल रही हैं। अवचेतन मन वो है जब हम कुछ भी नहीं सोच रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, हम रिलैक्स हैं, हमारा चेतन मन सो गया है, यानी हम स्लीपिंग पोजीशन में हैं, या हम जागृत अवस्था में लेकिन हमको सोच नहीं रहे, उस समय हमारा अवचेतन मन हर चीज को कंट्रोल कर रहा है। और मैंने एक और नाम लिया, अति चेतन मन या सुपर कॉन्शियस। इसको ये माना जाता है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बुद्धिमान लोग इस बात को कहते हैं, फिलोसफर्स इस बात को मानते हैं कि ये जो हमारा अति चेतन मन है, सुपर कॉन्शियस माइंड है, दैट इज द सीट ऑफ द गॉड, ये परमपिता परमेश्वर का सिंहासन है। यानी इस स्थान में ईश्वर का आधिपत्य है। हम कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल में ये लिखा है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप पर सृजा। यानी जो ईश्वर के कैरेक्टर्स हैं वही कैरेक्टर्स मनुष्य को उन्होंने दिए। इसलिए जो हमारा माइंड है, जो हमारा मन है, वो एक बहुत शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, एक बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर हमारे पास है। हम उसमें जैसा सॉफ्टवेयर अपलोड करेंगे वो उसी तरीके से कार्य करेगा। कॉन्शियस माइंड 10% काम करता है और सबकॉन्शियस माइंड 90% काम करता है। आप सोचिए कितना बड़ा एक गैप है, कितना बड़ा एक डिफरेंस है। हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% कार्य करता है
और सबकॉन्शियस माइंड 90% कार्य करता है। अब हमें करना क्या है? अगर हमें इस जीवन को सेलिब्रेट करना है, अगर हमने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, कामयाबी की ऊंचाइयों तक जाना है, अगर हमको अपने सपनों को पूरा करना है, अगर हमें इस जिंदगी के झंझटों से छूटकर अनंत शांति चाहिए, अपरंपार खुशियां चाहिए, उन्नति के ऊंचे शिखर चाहिए, तो हमें अपने सॉफ्टवेयर को बदलना पड़ेगा। और ये बड़ा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि हम उस पर कभी विचार नहीं करते हैं, इसलिए हमें लगता है कि बड़ा मुश्किल है, कैसे होगा। मैं आपको यहाँ पर 10 ऐसी बातें बताता हूँ, बहुत शीघ्रता से बताऊंगा, बहुत जल्दी, ताकि हम समय से समाप्त भी करें। और पहली बात है, विश्वास करना सीखिए। आपको विश्वास करना होगा अपने जिंदगी में, आपको विश्वास करना होगा अपने अप्लायंस के ऊपर, क्योंकि हम लोग बिजनेस में, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। आपको अपने बिजनेस के ऊपर विश्वास करना होगा, आपको अपनी टीम के ऊपर विश्वास करना होगा, आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा। यू हैव टू बिलीव ऑन योर पोटेंशियल्स। जो ईश्वर ने आपको गुण दिए हैं, जो उसने स्किल्स आपको दिए हैं, आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा। और मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं आपको बताऊं, यू आर द मैन, यू आर द पर्सन, आप वो व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, आप ला सकते हैं अपने जीवन में खुशहाली, और कोई नहीं ला सकता। और अगर हमारे भीतर कभी भी कोई नेगेटिविटी आती है, तो मैंने पहले भी कहा था, एक बार फिर कह रहा हूं, अगर 99% हम पॉजिटिव हैं और 1% कोई नेगेटिव थॉट हमारे भीतर आता है, तो वो 1% नेगेटिव थॉट हमारे 99% पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को नष्ट कर देता है। दोबारा दोहरा रहा हूं, 99% आप पॉजिटिव हैं, 1% आप नेगेटिव थॉट से ग्रस्त हो जाते हैं, तो वो 1% नेगेटिविटी आपके 99% पॉजिटिविटी को ध्वस्त कर देती है। इसलिए हमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हमें विश्वास करना पड़ेगा अपने सिस्टम के ऊपर। हम बात कर रहे हैं सिस्टम श्योर सक्सेस, जिस सिस्टम के तहत मैं और आप पाए जाते हैं इस बिजनेस में। हमें अपने सिस्टम के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, हमें अपने टूल्स के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। सिस्टम में जो टूल्स हमें दिए गए हैं, हमें उन पर विश्वास करना पड़ेगा। और दूसरी बात, हमें अपनी आत्म छवि को बेहतर बनाना होगा। हमें अपनी आत्म छवि को बेहतर बनाना होगा। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से अपने को दूर रखना होगा। उसके लिए हमें अच्छे लोगों से संगति करनी होगी, अच्छे मित्र बनाने होंगे, अच्छी पुस्तकें पढ़नी होंगी, और हमें एक बहुत ही स्वस्थ अपनी आत्म छवि बनानी है। हमें अच्छा सोचना है और निरंतर तैयार रहें नकारात्मकता से युद्ध करने के लिए और उसको हराना हमेशा। तीसरी बात, हमें दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने होंगे। हमें दूसरे, अब वो दूसरे कौन है, वो हमारे टीम के मेंबर्स हो सकते हैं, वो हमारे अप्लायंस हो सकते हैं, हमारे लीडर्स हो सकते हैं, वो हमारे डाउनलाइंस हो सकते हैं, वो हमारे मित्र हो सकते हैं, हमारे परिवार के लोग हो सकते हैं, कोई भी सही। हमें लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने होंगे।
अगर हमें अपनी जिंदगी को सेलिब्रेट करना है, हमें खुशियों को सेलिब्रेट करना है, तो ये हमें करना होगा। चौथी बात, हमें निरंतर सीखने की आदत डालनी होगी। मेरे मित्रों, मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, ये एक ऐसी बात है, हम 10 कोर स्टेप्स में इन सब बातों को सीखते हैं, लेकिन यहां मैं आपको बता रहा हूं, हमें निरंतर सीखने की आदत डेवलप करनी पड़ेगी। और उसके लिए हमें सीखना क्या है, हमें बोलना आना है, हमें बोलना सीखना है, हमें प्लान को प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए, हमें अपने टीम के साथ इवेंट्स को मैनेज करना आना चाहिए, और हमें हमेशा तैयार रहना है दूसरों को सिखाने के लिए भी। यानी हमें खुद भी सीखना है और दूसरों को भी सिखाना है। निरंतर सीखने की आदत हमें अपने अंदर जगानी होगी, बनानी होगी। और पांचवी बात है, हमें अपनी कल्पना शक्ति को पहचानना होगा। हमारी पावर ऑफ इमेजिनेशन, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड का कॉन्सेप्ट है। ये एक ऐसी ताकत है हमारे अंदर जो कुछ भी कर सकती है। देखिए, मैं दोबारा दोहराता हूं, हम अपनी कल्पना शक्ति को पहचाने, क्योंकि ये वो ऊर्जा है जो कुछ भी कर सकती है। इसलिए हमें अपने सपनों को विजुअलाइज करना पड़ेगा, हमें खुली आंखों से सपने देखने होंगे, और जो हमारे ड्रीम्स हैं, हमको उनको बिल्कुल यथार्थ रूप में देखने की क्षमता को उत्पन्न करना पड़ेगा अपने अंदर। और जैसा कि मैंने बात करी सबकॉन्शियस माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड में या कॉन्शियस माइंड में या सुपर कॉन्शियस माइंड में अगर हम बात करें मस्तिष्क की, तो उसको चार भागों में वैज्ञानिकों ने बांटा है, या हम कह सकते हैं बुद्धिजीवियों ने बांटा है। एक, जैसे मैंने अभी आरंभ में भी कहा, जो जागृत मन है हमारा, उसको हम बीटा के नाम से जानते हैं। अर्ध जागृत अवस्था को हम अल्फा के नाम से जानते हैं। थीटा को हम, अगर पूरी रीति से हम सोई हुई अवस्था में, तो वो अवस्था थीटा अवस्था है। और अगर हम बेहोशी की अवस्था में हैं, जिसमें हम कुछ सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो वो डेल्टा की अवस्था कहलाती है। एक बहुत जबरदस्त एक एपरेटस है जिसको ईईजी कहते हैं, उससे हम मन की जांच कर सकते हैं। और जो अल्फा अवस्था है, ये सबकॉन्शियस माइंड की अवस्था है, और ये अल्फा अवस्था ही है जो हम सोचते हैं वो हमारे लिए कर देती है। यानी सबकॉन्शियस माइंड या अल्फा अवस्था जो है, ये हमारे लिए, हम जैसा चाहते हैं वैसा हमारे लिए कर देती है। तो हमें अपने कल्पना शक्ति को पहचानना है। कल्पना करिए और विजुलाइज करिए। हमारे लीडर्स बताते हैं कि आपने जो ड्रीम्स बनाए, आप उनके फोटोज लगाइए, आप विजन बोर्ड बनाइए, आप मैजिक कॉर्नर बनाइए। मैं ये नहीं पूछ रहा इस समय किस किस के घर में मैजिक कॉर्नर है, किस किस के घर में विजन बोर्ड है, लेकिन ये सब वो बातें हैं जो निहायत ही जरूरी हैं अगर हमें अपने सपनों को साकार करना है। और छठी बात, जो आपका टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, उस पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है, और अगर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो चाहे कितनी भी समस्याएं आ जाए राह में, उन सबको आप ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आप देखिए, एक छोटा सा जीव है जिसको हम कहते हैं चींटी। चींटी एक ऐसा बेहतरीन एग्जाम्पल है
उसकी राह में आप कुछ भी ऑब्स्टेकल रख दो, उसका जो मिशन है, उसका जो टारगेट है, वो राह बदल के बिल्कुल शांत भाव से अपनी राह बदल के फिर चल देती है। आप उसके सामने कुछ भी रख दीजिए, वो राह बदल के फिर अपनी उसी टारगेट की तरफ को चल देती है। बहुत हार्ड वर्क करती है, और अगर हम खुली आंखों से सपने देख रहे हैं तो ये लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम अपने सपनों को कठिन परिश्रम के साथ पा सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और सातवीं बात, हमें एक रोल मॉडल चुनना है, हमें एक ऐसी अपलाइन को चुनना है जिसको हम फॉलो कर सकें, जिसके हम दिशा निर्देशों का पालन कर सकें। इसलिए हमें अपना रोल मॉडल बहुत सावधानी के साथ चुनना है। हमें वीडियोस को देखना है, हमें मीटिंग्स को अटेंड करना है, हमें अपने रोल मॉडल को पूरी रीति से अक्षर अक्षर उनके निर्देशों को पालन करते हुए आगे बढ़ना है। और आप देखिए, आप अपने जिंदगी के खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे। आठवीं बात है, सकारात्मक सोच की आदत बनानी पड़ेगी। पहले भी मैंने जिक्र किया, दोबारा इसको दोहरा देता हूं कि हमें सुबह से लेकर शाम तक जितने भी पॉजिटिव थॉट्स हैं, जो भी सकारात्मक विचार हैं, हमें उन्हीं के अनुसार आगे बढ़ना पड़ेगा। और नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है और अपने अपलाइन के ऊपर, अपने ऊपर, अपनी टीम के ऊपर भरोसा रखना है। और नवीं बात, जिम्मेदारी लेना सीखें। वी हैव टू बी रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमें हमेशा जिम्मेदारी लेना सीखना है, और जिम्मेदारी लेने के लिए हमें तैयार रहना है। और ऐसे ही नहीं कि क्योंकि हमने पढ़ा है या सुना है या कहा है, हमें वाकई में जिम्मेदारी लेना सीखना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा, आनंद के साथ, खुशी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। ये नहीं कि सर ने कहा है, अंदर से कुड़ रहे हैं लेकिन काम कर रहे हैं। नो, हमें एक सकारात्मक सोच के साथ जिम्मेदारियों को लेना है, क्योंकि जो आप करते हैं, हमेशा सफी सर एक बात कहते हैं कि जो हम बोलते हैं लोग वो नहीं करते, बल्कि जो हम करते हैं वही लोग करते हैं। तो अगर हम जिम्मेदारी लेंगे, हम अपने डाउनलाइंस के सामने किसी कार्य को करेंगे, तो वो भी उसके लिए तैयार होंगे, और कल को जब वो उस रोल पे आते हैं तो वो भी जिम्मेदारी लेंगे। और दसवीं और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो है कि आप जो बनना चाहते हैं आप उसको महसूस करिए। हम लोग कहते हैं गो एचडी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम जो कुछ भी बनना चाहते हैं, हमें उसको महसूस करना है। यानी जो भी हमारे ड्रीम्स हैं, जो भी हमारे डिजायर्स हैं, हमें उनको महसूस करना है कि हम एचडी हो गए, या हम डायरेक्टर हो गए, या हम गोल्ड लॉयन हो गए। ये जो बात है, ये हमारे जिंदगी को बदल देगी। वी हैव टू फील दैट वी आर द सेम। मैं एचडी हूं, मैं गोल्ड लॉयन हूं, या मैं डायरेक्टर हूं, या मेरा जो भी सपना है मैं वो हो गया हूं। ये सबकॉन्शियस माइंड की एक ऐसी जबरदस्त ताकत है, एक ऐसी जबरदस्त ऊर्जा है,
जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे लिए हो जाता है। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारी तरफ नेगेटिविटी खींचेगी, लेकिन अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारी तरफ पॉजिटिविटी आती है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस एलडीपी सेशन को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। एक हम लोगों ने आज, जैसा कि मैं देख पा रहा था पोस्टर में, समय 11:09 हो गए, एफई प्लस के लिए आज मेरी जिम्मेदारी है कि मैं थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करूं, और इसलिए मैं अपने स्क्रीन को आपके साथ शेयर करता हूं, और हम देखेंगे थोड़ी देर में एफई प्लस कितना एक अद्भुत प्रोडक्ट है जो ट्यांस ने उपलब्ध कराया है। और मुझे थोड़ा सा आप समय दें कि मैं अपनी स्क्रीन को आपके साथ शेयर करूं। मैं सोचता हूं आप सबको मेरी स्क्रीन